नहीं सिखा सका तो हम किसी को सुधार क्यों बने। समय कम है, अभी कहेंगे बताएंगे आपको कि प्राणायाम क्यों जरूरी है और प्राण क्या है, ये भी हमारे साथ 2006-07 से जुड़ी हुई है और जगह जगह इन्होंने योग सिखाया। अभी भी हम आयुर्वेद योग प्राणायाम सब बताइए, ये जो हम योग की क्लास धन्यवाद। ओम, सभी को मेरा अभिवादन। जैसा बताया हो रहा है अंकल ने, मैं 2006 में अंकल जी ने मुझे योग टीचर बनाया था और तब से अंकल जी के साथ ही मैं पूरा कर रही हूँ। और भी जहाँ मेरे हस्बैंड आर्मी में है तो जहाँ जहाँ हमें मौका लगा पोस्टिंग हुई वहाँ क्लब में किया। पूरा इंस्पिरेशन है, हमें वो योग करा रहे हैं, हम लोग उनसे कितने छोटे हैं और अंकल जी आज आप लोगों के सामने ही हैं, चश्मा नहीं लगता। तो ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है ना, ये जो देखने में लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हम लोग डाइट बताते हैं या आहार बताते हैं या सूक्ष्म व्यायाम किए, ये सब एट दिस स्टेज आके लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाते हो तब हमारा जो लाइफ है वो शुरू भी ब्रीदिंग से होता है। फर्स्ट एक्ट ऑफ लाइफ इज ब्रीदिंग, बच्चा पैदा होता है तो हम श्वास देखते हैं, एंड द लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ इज ब्रीदिंग, और बीच में सारी लाइफ है हमारी। वो साइकिल हमारा इतना बड़ा है या इतना बड़ा है या इतना बड़ा है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसके पूरा वो श्वासों के ऊपर है। और श्वास जो है सबसे ज़्यादा हम निग्लेक्ट करते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता उसके ऊपर कि हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, कैसे ब्रीथ आउट कर रहे हैं, कितना ब्रीथ कर रहे हैं। सुबह उठ के 10 मिनट 5 मिनट कोई भी वॉक करके लंबा श्वास लें, हम लंबा श्वास छोड़े उसके ऊपर हम लेते हैं। तो प्राणायाम बेसिकली हमारी श्वास से भी बात हो रहा था कि हम ऐसा कुछ पैकेज कर रहे जो हम डेली लाइफ में कर सकें। तो शुरुआत में हम छोड़ लेते हैं कि कब हमें इनहेल करना है, कब हमें एक्सहेल करना है, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो 10 times बढ़ जाता है। तो ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम उसमें प्राणायाम करते हैं। मैं सुबह उठ के 2-3 गिलास हल्का गुनगुना पानी सभी लोगों को पीना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्प करता है। और जो अभी हमने व्यायाम करे थे मैगजीन लेके लोग आप टॉयलेट में बैठे लेते हैं, तो बेसिकली ये वाले एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और ताकि पेट हम सुखासन में बैठें चाहे सिद्धासन में बैठें, जो जिसको सुविधा हो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन आज हम सिंपल वाली बात करते हैं। उसके बाद मुद्रा, ध्यान मुद्रा से शुरू करते हैं। आज ध्यान मुद्रा लगाएं, कमर सीधी रखें, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, मन को शांत रखें, खिड़की दरवाजे खोल के बैठें, एसी में नहीं, प्रेफर करें कि ओपन एयर जहाँ फ्रेश एयर सुबह की आ रही हो। लंबा गहरा श्वास लें। पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका, एक एक मिनट के लिए करेंगे बस हम। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, भस्त्रिका प्राणायाम। हर श्वास के साथ पूरे भाव के साथ करें, जैसे अंकल जी ने बताया विचार हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे को, हमारे पूरे जीवन पे और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक पे प्ले करता है। तो हम उस भाव के साथ करें कि जो भी सुबह प्रकृति के ऊर्जा मेरे अंदर जा रहा है, और जब हम ब्रीथ आउट करें तो हम ये भाव करें, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक चाहे भावनात्मक कोई भी बैड होमिंग है वो सब की सब नकारात्मक है, पॉजिटिव है, पवित्र है, ओंकार में। पूरा आप लंग्स में अपनी एयर को ब्रीथ इन करें और पूरा ब्रीथ आउट करें। लंग्स की कैपेसिटी को हम जो है बहुत 20% ही पूरे लाइफ टाइम में यूज नहीं करते, और बाकी श्वास लें और श्वास छोड़ें।